हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ झारखंड की फेमस रुगरा की सब्ज़ी। ये खाने में बिल्कुल मीट की तरह लगती है। ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस होती है। एक बार मेरी तरह इसे ज़रूर बना के देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैंने देखे यहाँ रुगरा ले लिया है। रुगरा बिल्कुल इसी तरह दिखती है, गोल गोल। ये काले भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं। इसे हमें 2-3 बार अच्छी तरह गर्म पानी में धो लेना है। ये देखिए, इसे तोड़ के मैं दिखाती हूँ। ये अंदर ब्लैक वाइट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो 2 तेज पत्ता तोड़ के डालेंगे। अब हम इसमें 4 बड़े प्याज काट के डाल देंगे। प्याज हमें अच्छी तरह से लाल कर लेना है। देखिए, प्याज हमारा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए रुगरा डालेंगे और प्याज के साथ रुगरा को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर। हम इसमें करीब 2 चम्मच मीट मसाला भी डालेंगे। याद रखिएगा, मीट मसाला ज़रूर डालिएगा, इससे रुगरा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। रुगरा हमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब हम इसे ढक देंगे और लो फ्लेम में पकाएंगे। हमें रुगरा को ढक ढक के पकाना है। रुगरा अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको चावल के साथ खाना है या रोटी के साथ। मैं यहाँ 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी रुगरा की सब्ज़ी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये आप चावल, रोटी, पुलाव किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बिल्कुल मीट की तरह लगती है। एक बार ये रुगरा की सब्ज़ी मेरी तरह बना के देखिए। ये बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।